सौर मंडल में पृथ्वी। इस वीडियो में सौर मंडल के बारे में संक्षिप्त जानकारी, सौर मंडल के ग्रह एवं उनके उपग्रह, पृथ्वी पर जीवन के कारण। कैसे हो बच्चों? 2 दिन की छुट्टी थी, खूब मजे किए हाँ? हाँ दीदी, कल मेरे घर मेरे मामा जी आए थे, इससे याद आया कल मेरी माता जी मेरे छोटे भाई को चंदा मामा की कहानी सुना रही थी। तो मेरे मन में सवाल आया कि चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सौर परिवार का हिस्सा ही तो है, तो चंद्रमा को चंदा मामा तो कह ही सकते हैं। सौर परिवार, वो क्या होता है संपर्क दीदी? सौर परिवार यानी सूरज का परिवार, इसे सौर मंडल या अंग्रेजी में सोलर सिस्टम भी कहते हैं। संपर्क दीदी, सूरज का भी परिवार होता है, तो कौन कौन है उसके परिवार में? भाई बहन, भांजे भतीजे? हाँ खोजी, सूरज का तो बहुत बड़ा परिवार है। सौर मंडल के मध्य में स्थित है सूरज और इसकी परिक्रमा करते हैं 8 ग्रह। ग्रह, वे क्या होते हैं संपर्क दीदी? अच्छा प्रश्न है सवाली। ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने नियत कक्ष में सूरज की परिक्रमा करते हैं। सूरज के सबसे पास है बुध यानी मर्क्यूरी, फिर शुक्र यानी वीनस, उसके बाद पृथ्वी यानी अर्थ, फिर मंगल यानी मार्स, इसके बाद बृहस्पति यानी जुपिटर, फिर शनि यानी सैटर्न, उसके बाद अरुण यानी यूरेनस और आखिर में वरुण यानी नेप्ट्यून। चलो एक बार फिर से सारे ग्रहों के नाम बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूरज के परिवार में और कौन आता है संपर्क दीदी? ग्रहों के अलावा सूरज के परिवार में आते हैं उपग्रह। उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। सौर परिवार में बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के उपग्रह हैं जो उनके चक्कर लगाते हैं। संपर्क दीदी, चंद्रमा भी तो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो क्या वो भी उपग्रह है? ठीक समझी सवाली। चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। पर संपर्क दीदी, मैंने तो टीवी पर देखा कि भारत ने अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ा था, तो क्या चांद को भी धरती से छोड़ा था, और कैसे? नहीं खोजी, असल में उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। जो उपग्रह आकाश में प्राकृतिक रूप से स्थित हैं और किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं वे प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं, जैसे चंद्रमा। दूसरी ओर जो उपग्रह मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं तथा रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं वे कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। समझे? पर संपर्क दीदी, ये कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में क्यों भेजते हैं? इन उपग्रहों की सहायता से ही हम दूरदर्शन, आकाशवाणी प्रसारण, टेलीफोन सेवा और मौसम की जानकारी आदि प्राप्त कर पाते हैं। केवल इतना ही नहीं, इन उपग्रहों की सहायता से अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य ग्रहों की फोटो भी खींची जाती है, जिनकी सहायता से वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं। इसलिए ज्यादातर देश कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजते हैं। आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसेट भारत के कृत्रिम उपग्रह हैं। जानते हो बच्चों, हमारे सौर मंडल में केवल हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया गया है। पर संपर्क दीदी, ऐसा क्यों? इसके कई कारण हैं।
सबसे पहला कारण है सूरज से पृथ्वी की सही दूरी। न पृथ्वी सूरज के बहुत पास है और न ही बहुत दूर। सूरज से सही दूरी के कारण पृथ्वी का उचित तापमान जीवन के लिए सहायक है। फिर जीवन के लिए तो हवा चाहिए ही, क्योंकि हवा में ही तो ऑक्सीजन पाई जाती है ना, जो हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। ये हवा भी पृथ्वी के आसपास वायुमंडल में ही है। इसके अतिरिक्त जीवन के लिए जल की आवश्यकता, जो पृथ्वी पर उपलब्ध है, ज्यादातर जीव जंतुओं के शरीर के भार का लगभग 70% जल ही होता है। ये जल सभी जीवधारियों में होने वाली आवश्यक क्रियाओं की पूर्ति में सहायक है। जल में भी ऑक्सीजन घुली होती है। जलीय जीव यानी पानी में रहने वाले जीव जैसे मछली पानी में घुली हुई हवा से ही ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। तो संपर्क दीदी, हमें जीवन के लिए उचित तापमान, जल और वायु के अलावा भी कुछ चाहिए क्या? ये तो तुम्हें पता ही है कि सभी जीव जंतुओं को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा मतलब ताकत, शक्ति और ऊर्जा भोजन से ही मिलती है। भोजन या तो हमें पेड़ पौधों से मिलता है या पशुओं से। पेड़ पौधों के होने के लिए मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, जल और वायु, ये सभी जरूरी हैं, क्योंकि तभी तो पेड़ पौधे भोजन का निर्माण कर सकेंगे ना। ठीक इसी तरह पशुओं को भी जीवित रहने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल और वायु की आवश्यकता है। भोजन, जल, वायु के अतिरिक्त पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण या कवच बनाता है, जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों और बहुत ज्यादा ठंड और गर्मी से बचाता है। संपर्क दीदी, इसका मतलब हमारी पृथ्वी तो बहुत खास है। बिल्कुल सही खोजी, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन और जीवन की सहायक वस्तुएं पाई जाती हैं। इसलिए ये केवल खास ही नहीं, अद्वितीय है। अच्छा, अब मेरे कुछ सवालों के उत्तर दो। बताओ, सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी या चंद्रमा? पृथ्वी। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। शाबाश। और जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपग्रह कहते हैं दीदी। अच्छा, और पूरे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य से न ज्यादा पास है न दूर, न ज्यादा गर्म है न ज्यादा। और बताओ, पृथ्वी पर जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी है जिसमें पेड़ पौधे होते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर के सुरक्षा कवच को क्या कहते हैं, बोलो जल्दी? वायुमंडल। वाह, आज आप लोगों ने इतने बढ़िया जवाब दिए कि लगता है मुझे अपनी पीठ थपथपानी होगी। अरे अरे भाई, मैंने ही तो पढ़ाया है ना तुम लोगों को ये सब। तो चलो।